नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जीआर चौधरी और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम बात करेंगे राइट टू एजुकेशन या आरटीई की, जो कि एक महत्वपूर्ण कानून था और इस कानून ने भारत की जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किया है। और आज हम आरटी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आरटी कानून इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ एग्ज़ाम के दृष्टि से, चाहे वो थर्ड ग्रेड से लेके लेक्चरर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, फर्स्ट ग्रेड तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इससे संबंधित एक या दो सवाल पक्का देखने को मिलता है। तो आगे अपने वाली क्लास में से पक्का दो सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए हम डिटेल से, बड़े पेशेंस से, बड़े ध्यान और धैर्य से और बड़े आनंद से इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। एक एक बारीकी से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ बातें रह जाए, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बात कर रहे हैं आरटी, राइट टू एजुकेशन, ये कब बना, कैसे बना, इसमें क्या प्रावधान है और इसमें से सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, इस पर हम डिटेल से आज हम चर्चा करेंगे। देखो, राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का जो अधिकार कानून था, उसकी 2009, उसकी पहले हम पढ़ेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा, कैसे बना, तो इसके डिटेल्स हम देखते जाएंगे धीरे धीरे आराम से। तो देखो, जो आरटीई आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नाम से प्रसिद्ध है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इससे पहले संविधान में इस कानून को लाने से पहले संविधान में कुछ बातें जोड़ी गई थी, वो 86वां संविधान संशोधन था। ध्यान से देखना आप, 86वां संविधान संशोधन बहुत ही मोस्ट है, हर एक एग्जाम में 86वें संविधान संशोधन से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। जहां भी पॉलिटिकल साइंस या भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये 86वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि ये आरटीई से जुड़ा हुआ संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में तीन चीजें संशोधित की गई थी। पहली, मूल अधिकारों में संशोधन किया गया था, नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया था और साथ ही मूल कर्तव्यों में भी कुछ जोड़ा गया था। इन तीनों चीजों को अपने को ध्यान रखना है। पहली चीज है जो मूल अधिकार है, उसमें 21A जोड़ा गया है, प्राण और देहिक अधिकार जो होता है उसमें 21A जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होता है, वो मौलिक अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। जैसे मौलिक अधिकारों में आपको सांस लेने का अधिकार है, वैसे ही शिक्षा भी आपका मौलिक अधिकार है। जीने का अधिकार जैसा है, वैसा ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद आर्टिकल 21A ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, पहली बात। दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों में भी आर्टिकल 45 में परिवर्तन किया गया और 45 में ये जोड़ा गया वो कि वो बात लिखी गई कि राज्य का ये नैतिक दायित्व होगा कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए, आर्टिकल 45। इसके साथ साथ ही जो आर्टिकल 51A है, उसमें पहले जे तक था, उसके बाद में के जोड़ा गया, जिसमें भी ये कहा गया कि सभी माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाए। तो ये मूल कर्तव्य भी बढ़े, मूल अधिकारों की बात करें तो उसमें भी इसको जोड़ा गया और नीति निर्देशक तत्व, इसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। हम बात कर रहे थे शिक्षा के अधिकार की। तो शिक्षा का अधिकार आरटीई जो है, उससे पहले कानून में इतने इतने बदलाव किए गए, लेकिन इससे पहले भी, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले 1900 के लगभग से ही बात करें तो 1900 के लगभग से ही ये मांग हो रही थी कि जो शिक्षा है वो बच्चों को मुफ्त में मिलनी चाहिए। और आज भी देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली जो है वो, उसमें बड़ा वेरिएशन है। गरीब बच्चे एक अलग तरीके के स्कूल में पढ़ते हैं, पैसे वाले बच्चों के लिए अलग फैसिलिटी होती है, और वहाँ जाके अजीब सा लगता है कि यार शिक्षा का अधिकार मिला तो है लेकिन सबको बराबर लेवल पे शिक्षा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। लेकिन फिर भी आरटीई में प्रावधान किया गया, कम से कम शिक्षा है वो सबको मिले।
शिक्षा सबको मिले, इसके लिए मैं क्या बात कर रहा था, 1900 से ही प्रारंभ हो गई थी बातचीत। चाहे गोखले प्रस्ताव की बात करें, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, सब ने ये मांग की थी कि शिक्षा है वो मौलिक अधिकार है, मुफ्त में मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। लेकिन वहां से हम बात नहीं करेंगे, बात हम यहाँ से करेंगे जो अपने टॉपिक से रिलेटेड है। तो टॉपिक में जो RTE है, परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, उससे संबंधित है। तो जो 86वां संविधान संशोधन है वो भी क्यों आया, इसके लिए दो चीजें मैं बता दूं। देखो ध्यान से समझना, पहली बात आपको समझनी है कि एक विवाद आया था, एक केस आया था जिसको बोलते हैं उन्नीकृष्ण JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ये मामला आया था 1993 में, ध्यान रखना इस बात को, उन्नीकृष्ण JP बनाम आंध्र राज्य का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में 1993 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा भी एक मौलिक अधिकार है। पहली बात, 1993 में इसका जिक्र आया, और वो मामला कौन सा था, उन्नीकृष्ण JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, याद रखने वाली बात है। तो यहां से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। उसके बाद में एक और चर्चा आई कि ये जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सरकार ने एक कमेटी गठित की, और उस कमेटी का नाम था तपस मजूमदार कमेटी। तपस मजूमदार कमेटी जिसका गठन किया गया था 1999 में, जिसने इस कमेटी ने अनुशंसा की थी कि आर्टिकल 21 में एक पार्ट जोड़ा जाए 21A, और उसमें किसको शामिल किया जाए, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया जाए। मुफ्त शिक्षा है जो 6 से 14 साल की बात कर रहा हूं मैं, उसको 21A में जोड़ा जाए। तो तपस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही इसको जोड़ा गया। दो चीजें आपको याद रखनी है, एक उन्नीकृष्ण JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो विवाद था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 1993 का, और साथ में 1999 का जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसके आधार पर इस 86वें संविधान संशोधन को लाया गया। दो चीजें अब देखते हैं, RTE का जो हिस्ट्री है कैसे उसका पास हुआ, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मोटे तौर से आप याद रखना। देखो दो तीन चीज़ें कि कैसे कैसे इसके ये जो बिल था RTE का वो कैसे पास हुआ। ये 20 जुलाई, सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को इसमें को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में पास हुआ राज्यसभा में, और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया और लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद में 26 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा इस पर सिग्नेचर हुए। राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हुए और ये कानून बना। लोकसभा में पास, राज्य पहले राज्यसभा में पास हुआ, फिर लोकसभा में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति का साइन हुए और ये अमेंडमेंट बन गया। उसके बाद में अलग अलग राज्यों की बात करें, तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान अलग अलग राज्यों ने, राजस्थान ने भी अलग से इसको पारित किया था। तो 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा ने आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव पारित किए थे। तो राजस्थान विधानसभा में कब हुआ, 29 मार्च 2011 को, और ये 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू हुआ। जबकि भारत की बात करें तो डेट पूछे तो 1 अप्रैल, क्योंकि नया सत्र 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हुआ। तो कहीं कहीं डेट पूछे आपसे तो 1 अप्रैल 2010 बताना है, जबकि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में एक साल बाद में 1 अप्रैल 2011 को ये RTE कानून लागू हुआ। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं कि RTE एक्ट जो है 2009, RTE एक्ट 2009 है वो है क्या, आखिर क्या उसमें अमेंडमेंट थे, क्या प्रस्ताव थे, कौन कौन सी बातों का इसमें जिक्र किया गया था। ध्यान से देखेंगे कि जो RTE एक्ट था, RTE एक्ट में 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची। RTE एक्ट में देखो अध्याय की बात की जाए तो 7 अध्याय है, 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची इसमें दी गई है। एक एक के बारे में, सबके बारे में डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी धारा जो है, 38 धाराएं सारे मोस्ट नहीं है, मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा कि ये धारा आपको याद रखनी चाहिए। तो 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची इसमें दी गई है। थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं अध्याय की, तो अध्याय कौन कौन से है ध्यान से देखेंगे। अध्याय पहला जो अध्याय है RTE एक्ट का, रटा नहीं मारना, अपने को पहला अध्याय है, इसमें उसी RTE की प्रस्तावना का वर्णन है, कोई मोशन नहीं है, कोई दिमाग में डालने वाली बात नहीं है। दूसरी बात हम करें तो दूसरा है RTE एक्ट का विस्तृत उल्लेख है, वो अध्याय 2 में है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तीसरा अध्याय है कि इस
तीसरे अध्याय में जो सरकार है उसके अधिकारी वर्ग है, माता पिता के अधिकार और दायित्वों का उल्लेख है। ठीक है, याद रखना अपने को कि सरकार के अधिकारियों के क्या क्या दायित्व है, माँ बाप के क्या अधिकार और दायित्व है, ये आपको अध्याय 3 में लिखा हुआ मिलेगा। माँ बाप के क्या दायित्व है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को काम पे न लगा कर उसको कहाँ भेजना है, स्कूल को पे भेजना है। और जैसे सरकार के दायित्वों की बात करें तो सरकार की ड्यूटीज है कि एक निश्चित दूरी पर प्रत्येक इतनी दूरी पर स्कूल होना चाहिए, इतनी दूरी पर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, इतनी दूरी पर मिडिल स्कूल होना चाहिए। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जैसे प्राइमरी स्कूल की बात, प्राथमिक विद्यालयों की बात करूं मैं, याद रखना अपने को प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे को 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी है। और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मैं बात करूं तो उच्च प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होनी ही होनी चाहिए, ये RTE कहता है। और लगभग आजकल देखा जाए तो ऐसी स्थितियां हैं कि 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूलें आपको मिल जाएगी। तो अध्याय 3 ये कहता है। अध्याय 4 की बात करें तो विद्यालय कैसा होना चाहिए, उसके मानक ध्यान रखना। चौथा अध्याय आपको याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए, दोनों याद होना चाहिए। विद्यालय के मानक, विद्यालय के मानक से मतलब ये है कि विद्यालय में बच्चों के खेलने के लिए होना चाहिए, 4 दीवारी होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, इन सब चीजों को बोलते हैं मानक। तो ये अध्याय 4 कहता है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि दो मकान बढ़ा दिए, दो कमरे बने हुए उसको स्कूल कहेंगे, कितने टीचर होने चाहिए, पैरामीटर होने होते हैं। तो ये है चौथा अध्याय कहता है शिक्षक के अधिकार भी, शिक्षकों के अधिकार होते हैं वो भी लेसन 4 में है, और शिक्षक के दायित्व और शिक्षक की योग्यता। ये अध्याय 4 काफी महत्वपूर्ण और काफी बड़ा अध्याय है। तो शिक्षक के योग्यता की मैं बात करूं तो RTE आने के बाद में ये योग्यता हो गई कि प्रत्येक विद्यालय में जो शिक्षक लगेगा वो एक निश्चित योग्यता, जैसे BEd है, ठीक है, जैसे आजकल आता है, जैसे राजस्थान की बात करूं तो जो रीट का जो मामला है, रीट क्लियर है वही शिक्षक लग सकता है। ये क्यों आया, रीट का एग्जाम लेना क्यों आवश्यक हो गया, ये इस वजह से क्योंकि उसमें शिक्षक की योग्यताएं लेसन 4 में निर्धारित है, इसीलिए रीट का एग्जाम देना जरूरी है। तो ये कौन सा कह रहा है, अध्याय 4, ध्यान से देखना धीरे धीरे। अध्याय 5 की मैं बात करूं तो 5वां जो अध्याय है वो ये बताता है कि बच्चों का पाठ्यक्रम जो होगा वो उनको बनाने वाले अधिकारी जो है उनके क्या अधिकार होंगे और कैसे उनके दायित्व होंगे, पाठ्यक्रम कैसा बनेगा, 5वें अध्याय में बात इसकी की गई है। 6ठा जो अध्याय है वो है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, जिसमें बालकों के अधिकारों की बात की गई थी उसके बारे में लिखा गया है, कोई मोस्ट नहीं है, आपको याद रखना। तीसरा और चौथा काफी मोस्ट है, दो याद रखना, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं। 7वां अध्याय की बात करें तो इसमें सरकार के अधिकार, सरकार के अधिकार से मतलब है कि सरकार इसमें समय समय पर किस प्रकार बदलाव ला सकती है, इसके बारे में इसका जिक्र है। तो ये थे आपके 7 अध्याय, महत्वपूर्ण नहीं है, केवल तीसरा और चौथा अध्याय आपको याद होना चाहिए। तीसरे अध्याय में वापस बता दूं, माँ बाप के अधिकार और दायित्व, और चौथा जो सबसे बड़ा है उसमें विद्यालय के मानक, शिक्षक के अधिकार और शिक्षक की योग्यताएं, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। अब बात करते हैं धाराओं की, जो 38 धाराएं हैं उनमें से भी कुछ मोटी मोटी आपको याद रखनी है। 38 धाराएं कौन कौन सी है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 की जो धाराएं हैं ध्यान से समझेंगे। धारा 1 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसमें लिखा है RTE एक्ट का विस्तृत उल्लेख इसमें किया गया है। धारा 2 है RTE की शब्दावली है। RTE की शब्दावली से मतलब यह है कि जैसे कोई शब्द लिख लिया, जैसे प्राथमिक शिक्षा, ये एक शब्द है प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा का मतलब इसमें, ये शब्दावली का एक शब्द है प्राथमिक शिक्षा, तो इसका मतलब यह हुआ कि कक्षा आठ माना जाएगा यहाँ। तो ऐसे शब्दावली जो है वो धारा 2 में शब्दावली का जिक्र इसमें आया है। धारा 3 की मैं बात करूं तो 3 में है सरकार को
जो आदेश दिया गया है कि सरकार का ये दायित्व होगा कि वह निःशुल्क शिक्षा का आयोजन करिए, काफ़ी मोस्ट है। धारा तीन ये कहती है कि सरकार का ये दायित्व है, धारा तीन ये कहती है, फिर कह रहा हूँ धारा तीन ये कहती है कि सरकार का ये दायित्व है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करे, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। धारा तीन। धारा चार की मैं बात करूं कि यदि कोई बालक, ध्यान से समझना, धारा तीन काफी महत्वपूर्ण है, धारा चार की मैं बात करूं तो धारा चार ये कहता है कि यदि कोई बालक मुख्य धारा से हट जाए, मुख्य धारा से मतलब है कि कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन, विद्यालय प्रशासन और स्थानीय अभिभावक तीनों प्रशासन भी सहयोग करेगा, विद्यालय प्रशासन भी सहयोग करेगा और स्थानीय अभिभावक समन्वित और समुचित प्रयास करते हुए बालक को मुख्य धारा से जोड़ने तथा बालक को आयु के अनुसार प्रवेश दिलवाएंगे। काफी महत्वपूर्ण, ध्यान से समझेंगे। इसमें धारा चार जो बात कर रही है वो ये कह रही है कि यदि कोई बालक जो स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है, मुख्य धारा में, उसको मुख्य धारा में नहीं माना गया कि जो स्कूल से जुड़ा हुआ नहीं है, मान लो कहीं काम कर रहा है, घर पे बैठा है या विकलांगता की वजह से स्कूल नहीं आ रहा है, तो उसको मुख्य धारा में नहीं मानते। तो यदि कोई बालक ऐसा मुख्य धारा में नहीं है तो सारे जो प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय प्रशासन जो, वो विद्यालय प्लस स्थानीय अभिभावक है, वो सब मिलकर उस बच्चे को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि बालक को आयु के अनुसार प्रवेश दिलवाएंगे। आयु के अनुसार, ध्यान रखना, कई बार सवाल आया हुआ आयु के अनुसार, मान लो कि जैसे कोई बच्चा है जो स्कूल कभी गया ही नहीं, 9 साल का बच्चा है, अब 9 साल का कोई बालक है, अब उसको स्कूल में दाखिला दिलवाया तो आरटी ये नहीं कहती कि भाई दाखिला दिलाया तो वो पहली क्लास में आएगा। आरटी ये कहती है कि 9 साल का बच्चा है तो उसको आयु के अनुसार पहली क्लास में नहीं, उसको आयु के अनुसार कौन सी क्लास में डालना है, चौथी क्लास में। देखो इस प्रकार का सवाल पूछे तो -5 कर लिया करो आप, 9 में से 5 निकालो तो 4, तो चौथी क्लास में उसको प्रवेश देना है, न कि पहली क्लास में। सवाल आएगा, ध्यान से समझना, तो उसको आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, न कि पहली क्लास में। तो धारा 4 ये बात करती है। मजेदार कानून है, कई बार बच्चे स्कूल में आते हैं जिनको, जिन्होंने कभी स्कूल के दर्शन नहीं किए, 10 साल का बच्चा, अब तो कम होने लग गए, लेकिन शुरुआत में जब आरटी लागू हुआ था 10 साल का बच्चा जो भेड़ बकरियां चलाता था उसको सीधा 5वीं क्लास में एडमिशन देना पड़ता था। ये चीजें थी आरटीए में और काफी सार्थक प्रयास था। अगली जो बात है धारा 5 की बात करें तो धारा 5 क्या कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण से मतलब है 8वीं क्लास तक पास, जो बच्चा है 8वीं क्लास पास हो रहा है तो उसको प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र दिया जाता है, आपने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण की है। तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तथा यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण करता है तो विद्यालय के स्थानांतरण के साथ बालक के सभी अधिकारों का स्वतः स्थानांतरण हो जाता है केवल आरटीई को छोड़कर। मतलब कोई भी बच्चा है वो स्कूल, एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाता है तो उसके जो जो भी अधिकार है वो दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई मोस्ट बात नहीं है। धारा 8, सरकार का ये दायित्व है कि संपूर्ण अधिनियम को लागू करिए, सरकार के लिए डायरेक्शन थी। आपको अपने को धारा 4 याद रखनी है, ठीक है, धारा 3 याद रखनी है, बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। आगे बात करते हैं धारा 9। धारा 9 है सरकार के लिए और अधिकारियों के दायित्वों का उल्लेख है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगली बात करते हैं धारा 10, काफी महत्वपूर्ण है। धारा 10 जो है वो माता पिता के अधिकार और दायित्व, काफी मोस्ट है धारा 10। धारा 10 ये कहती है कि प्रत्येक माँ बाप का ये दायित्व होगा कि वो अपने बालकों को, अपने बच्चों को, अपने अपनी औलाद को वो कहाँ भेजे, विद्यालय भेजे, वो उसको काम पे नहीं लगाकर विद्यालय भेजे। क्योंकि बच्चों का जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, एक और मैं बात बताऊँ, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको कहाँ भेजे, विद्यालय भेजे, उसको काम के लिए नहीं रोक सकते। तो ये दायित्व है आरटी की धारा 10 में। एक और आपको मैं बता दूं बात कि जो 6 से 14 साल है वो केवल सामान्य बालकों के लिए है, सामान्य बालकों के लिए है, लेकिन विकलांग जो बालक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल बन रहा है, विकलांग जो बालक है वो उनकी उम्र 6 से 18 साल इसमें रखी गई है। तो आरटी में 6 से 18 साल इसमें उम्र रखी गई है, जबकि सामान्य बालकों के लिए, एक मिनट,
तो दोनों चीजें काफी महत्वपूर्ण है। 6 से 14 साल सामान्य बालकों के लिए याद रखनी है आपको। और यदि प्रश्न में पूछा जाए विकलांग बालकों की बात की जाए तो विकलांग बालकों के लिए कितनी रखी गई है इसमें, 6 से 18 साल। तो धारा 10 किसके लिए है, धारा 10 है उनके लिए माँ बाप के लिए कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे। धारा 11 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। धारा 11 कहती है कि 6 से 14 साल का तो आरटीई में प्रावधान है, लेकिन ये नहीं है कि 6 से नीचे के। इसमें कहा गया है कि 1 से 5 वर्ष के आयु के बचपन की देखभाल की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। अर्थात आरटीई में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 6 से 14 है, लेकिन 1 से 5 के लिए प्रावधान भी सरकार उनका सहयोग करेगी देखभाल की। और इसीलिए जो आंगनबाड़ी जो है वो आंगनबाड़ी जो है, आपने नाम सुना होगा आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी पर आंगनबाड़ी पर 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए व्यवस्थाएं इसी धारा के अंतर्गत की गई है। आपसे पूछा जाए सवाल कि आंगनबाड़ी में कौन सी उम्र के बच्चों को, तो 3 से 5 साल के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी में व्यवस्था की गई। आपसे यह पूछा जाए कि आंगनबाड़ी की व्यवस्था कौन सी धारा के अंतर्गत की गई है, तो धारा 11 में याद रख सकते हो, एक स्कूल और एक आंगनबाड़ी। देखो आप, एक स्कूल एक आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी पर बच्चों के लिए खाने के पौष्टिक सामग्री मिलती है, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था होती है, बच्चों के खेलने की व्यवस्था होती है, तो ये भी सरकार का दायित्व है और इसीलिए आंगनबाड़ी खोली जाती है। बात कर रहा हूं धारा 12 की। यह धारा निजी शिक्षण संस्थान, ईजी नहीं है ये, निजी बहुत, निजी शिक्षण संस्थानों को आदेशित करती है। आजकल आपने पढ़ा होगा कि जो निजी शिक्षण संस्थान आरटीई आने के बाद में, आरटीई एक्ट आने के बाद में जो प्राइवेट स्कूल है उनमें भी 25% बच्चे जो कमजोर वर्गों से संबंधित है उनके लिए सीटें रिजर्व रखी गई है। और इनके लिए पेमेंट की मैं बताऊं तो इनमें पेमेंट इनका 25% का फीस का है वो सरकार वहन करती है। लेकिन ये इसमें भी आप ध्यान रखना कि 25% पूरी टोटल स्कूल की कुल सीटों का 25% नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक कक्षा की 25% सीटें, ध्यान से समझना, जो 25% सीटें हैं वो प्रत्येक कक्षा की 25% सीटें होगी, न कि टोटल सीटों के। और ये किसके लिए रखी गई है, विद्यालय कक्षा प्रथम से कुल छात्र संख्या के 25%, निर्धन वर्ग के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में। और आरटी के दायरे में प्राइवेट स्कूलें भी इस वजह से आ गई धारा 12। धारा 12 किसके लिए है, धारा 12 प्राइवेट स्कूलों के लिए। क्या कहती है कि इसमें 25% सीटें किसके लिए सुरक्षित रहेगी, गरीब बच्चों के लिए, निर्धन बच्चों के लिए रहेगी, धारा 12 कहती है। धारा 13 की बात करें, इसके अनुसार प्रवेश के समय, बहुत महत्वपूर्ण है, सारी धाराएं महत्वपूर्ण है, धारा 13 महत्वपूर्ण, धारा 12 महत्वपूर्ण, धारा 11 महत्वपूर्ण, धारा 10 महत्वपूर्ण। तो धारा 13 क्या कहती है, धारा 12 प्राइवेट स्कूलों से संबंधित थी, धारा 13 ये कहती है कि यदि किसी भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन के लिए लाया जाता है तो उससे प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का प्रवेश और शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। कि यदि कोई बच्चा प्रवेश के लिए जाता है तो उससे प्रवेश शुल्क के नाम पर पैसे नहीं लिए जाएंगे। जैसे पहले आरटी आने से पहले होते थे कि बच्चों से अलग अलग प्रकार के फीस ली जाती थी, अब ये आरटी ने ये बंद कर दिया कि आपसे प्रवेश शुल्क, किसी प्रकार का प्रवेश शुल्क नहीं होता। जैसे आप सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाने या प्राइवेट स्कूल की बात करें, प्राइवेट स्कूल को आप ज़्यादा ढंग से नहीं समझ पाओगे, सरकारी स्कूल में आप एडमिशन करवाने गए तो सरकारी स्कूल में जैसे पहले एडमिशन के लिए आपको 50 रुपये 20 रुपये जो भी अलग अलग स्कूल के लिए निर्धारित थे प्रवेश शुल्क लिया जाता था, अब प्रवेश शुल्क क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। आपसे प्रवेश शुल्क 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रवेश शुल्क कुछ नहीं है, 0 है, नहीं लिया जा सकता, क्योंकि धारा 13 ये कहती है। धारा 14 की बात करें तो धारा 14 प्रवेश के समय जब एडमिशन लेने जाए बच्चा तो उससे आवश्यक से आवश्यक दस्तावेज की भी मांग नहीं की जा सकती कि इस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, एडमिशन नहीं दिया जा सकता, इसके पास टीसी नहीं है, एडमिशन नहीं दिया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। 6 से 14 साल के बच्चे के पास यदि डॉक्यूमेंट है तो ले लो, नहीं है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 14 इसके लिए मना करती है कि आवश्यक से आवश्यक दस्तावेज भी यदि बच्चे के पास नहीं है तो भी उसको एडमिशन, टीसी नहीं है तो दो, मार्कशीट नहीं है तो दो, आप
आधार कार्ड नहीं है तो दो आप, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो दो आप, बहुत रियायत, बहुत ज्यादा रियायत कर रखी है। धारा 14 इसका वर्णन इसमें है। धारा 15 की मैं बात करूं तो 15 की वैसे बालकों के लिए प्रवेश तिथि 30 सितंबर निर्धारित होती है कि 30 सितंबर तक बच्चों के प्रवेश हो जाए, लेकिन आरडी ये कहता है कि यदि 30 सितंबर तक भी एडमिशन किसी बच्चे का नहीं होता है तो भी वह पूरे 12 महीने वर्ष पर्यंत आता है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा, उसको मना नहीं किया जा सकता। कोई बच्चा जनवरी में आ रहा है तो उसको जनवरी में एडमिशन देना पड़ेगा, कोई फरवरी में आ रहा है तो उसको फरवरी में भी एडमिशन देना पड़ेगा। 30 सितंबर की कोई बाउंडेशन नहीं है। धारा 15 दुणी 30 याद रखना, ऐसे करके याद रख लो चाहे कैसे ही कर लो, परीक्षा में 2 नंबर क्लियर करने हैं। धारा 16 की बात करें, कोई बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा। मोस्ट वेरी मोस्ट आरटी में जो सबसे तगड़ा बदलाव जो आया वो धारा 16 कहती है कि 6 से 14 अर्थात पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चे को क्या नहीं किया जा सकता, फेल नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता, चाहे उसको कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है उसके लिए आरटी में जो शिक्षकों के लिए दायित्वों की जो बात कही गई थी, शिक्षक के लिए दायित्व कि बच्चा आपके पास 12 महीने रहा तो 12 महीने रहा तो उसको सब कुछ आना चाहिए जो उस क्लास के अनुरूप हो, लेकिन ये नहीं है कि 12 महीने बच्चा स्कूल आता गया मारसा पढ़ाते गए, आता गया मारसा पढ़ाते गए और बाद में फेल हो गया। आरटी ये नहीं मानता बच्चा आ रहा है स्कूल में आ रहा है तो उसको पास होने लायक नंबर आने चाहिए, उसको फेल कोई भी नहीं कर सकता। अर्थात 9th तक बच्चा बेझिझक नॉन स्टॉप आता है। अब वो पढ़ने में कैसा है, कमजोर है, उसे पहले की तरह नहीं 5वीं में रोक दिया। धारा 16 कहती है कि यार भाई 8वीं तक तो ये पास होगा या होगा, 9th में देखा जाएगा। मजेदार धाराएं हैं 16 धारा, कुछ फायदे कुछ नुकसान आप सोचना इसके बारे में। धारा 17 की बात करें, 17 भी उतनी ही धाकड़ धारा है। 17 धारा ये कहती है आपने पढ़ा होगा या मैंने पढ़ा होगा, मुझसे पहले जिन्होंने पढ़ा सुनते थे कि वो टीचर बहुत पीटते थे, वो टीचर बहुत मारते थे, वो ऐसे पीटते थे वैसे पीटते थे, लेकिन जब से धारा आरटी आई, धारा 17 आई, जैसे संविधान में अस्पृश्यता निषेध है वैसे ही इसमें भी धारा जो 17 है वो ये कहती है कि विद्यालय में यदि बालक आता है तो उसको न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से शोषित किया जा सकता, न तो उसको डांट सकते हो न पीट सकते हो न डांट के स्कूल से निकाल सकते हो कक्षा से निकाल सकते हो। तीनों चीजों को ध्यान समझना, बच्चा बैठा है टीचर बैठा है, न तो टीचर उसको शारीरिक दंड दे सकता है चांटा नहीं लगा सकता, न उसको डांट सकता है और न उसको कक्षा से बाहर निकाल सकता है। तीनों प्रकार के अवॉइड किए गए। धारा 17 वेरी मोस्ट, धारा 16 और 17 काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो धारा 17 के प्रभाव से आजकल बच्चे और टीचर का जो रिलेशन है बड़ा फ्रेंडली सा हो गया, भयग्रस्त तनावग्रस्त बच्चे नहीं है, क्योंकि स्कूलों में आप जाके देखोगे तो वहाँ बच्चों को उतना डर नहीं है जितना आज से 20-25 साल पहले होता था। धारा 17 बात करते हैं, धारा 21 18-19 ज्यादा महत्वपूर्ण, 21 पे देखो कि 21 जो धारा है इससे संबंधित सवाल आएगा, वेरी मोस्ट नहीं कह रहा हूँ लेकिन सवाल आएगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। धारा 21 कहती है कि प्रत्येक विद्यालय में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC की बात हो रही है और इसके बारे में मैं डिटेल से अलग से आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे सीधा सा सवाल पूछा जाए कि आरटी की कौन सी धारा के तहत SMC या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का वर्णन किया गया है। धारा 21 तो 21 क्या कहती है कि प्रत्येक विद्यालय में एक SMC होगी और सारी स्कूल की योजना, मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि SMC के अंतर सारी की सारी जो स्कूल में एक पैसा भी लगता है तो वो किस
उसको परमिशन कौन देता है? वो एसएमसी। एसएमसी की देखरेख में स्कूल का सारा जितना भी काम, चाहे आपके पेपर में कहीं से कोई भी पूछ ले कि ये काम किसकी देखरेख में, तो सारे के सारे काम, मैं कह रहा हूँ एक चौक भी लेनी है तो अनुमति कहाँ से लेनी है? एसएमसी से लेनी पड़ेगी। आप स्कूल में एक पेन भी चाहिए तो उसकी परमिशन कहाँ से लेनी पड़ेगी? एसएमसी से। तो ये एसएमसी काफ़ी पावरफुल बनाएगी, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी, और इसका वर्णन है धारा 21 में। तो धारा 21 काफ़ी महत्वपूर्ण है, धारा 17 काफ़ी महत्वपूर्ण है, धारा 16 काफ़ी महत्वपूर्ण है, और धारा 14 काफ़ी महत्वपूर्ण है, और धारा 13 काफ़ी महत्वपूर्ण धाराएं हैं इसकी, धारा 10 से लेकर 21 तक। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, धारा 23। धारा 23 क्या कहती है? धारा 23 कहती है शिक्षकों के अधिकार और योग्यता है, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। धारा 23 ये कहती है कि शिक्षकों के क्या दायित्व होंगे, क्या अधिकार होंगे, और क्या उसमें योग्यताएं होंगी। जैसे मैं कह रहा था रीट की एग्जाम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये उसकी योग्यताओं में है कि कोई भी वही व्यक्ति सरकारी विद्यालय में पढ़ा सकता है जो रीट एग्जाम पास करे। तो ये धारा 23 में तो कह रखा है, तो धारा 23 में इसका जिक्र आया है। नोट्स बनाते रहना, 5-10 एक चैप्टर में एक पन्ने में छोटे से नोट्स, दो सवाल उसमें से, एक पन्ने में से दो सवाल काफी महत्वपूर्ण होते हैं, इंटरेस्टिंग भी है। तो धारा 23 तक की बात की हमने, अगली बात करते हैं धारा 24 महत्वपूर्ण नहीं है, धारा 25 के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। धारा 25 कहती है कि छात्र शिक्षक अनुपात एक निश्चित अनुपात आरटी में दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि देखो दो प्रकार के स्कूलें हैं, दो प्रकार की, एक प्राथमिक और एक उच्च प्राथमिक। दोनों प्रकार के विद्यालयों में अलग 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 शिक्षक अनुपात होते हैं। अलग अलग शिक्षक अनुपात का मतलब है कि यदि प्राथमिक विद्यालयों की बात की जाए तो ये शिक्षक विद्यार्थी अनुपात होता है 1:40, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो 1:35। याद रख लेना इसको, 1:35 और 1:40 के रेशियो में शिक्षक होने चाहिए। ये धारा 25 कहती है कि, थोड़ा सा डिटेल से मैं समझा दूं, जैसे प्राथमिक विद्यालयों की मैं बात करूं, प्राथमिक विद्यालयों की बात करूं तो प्राथमिक विद्यालयों में ध्यान से समझना, 30 तक, देखो 30-30 के रेशियो में मैं बढ़ाता जाऊंगा, पहले लिख लूं मैं 30, 60, 90, 120, 150, 200, यूं लिख लेते हैं कि प्राथमिक विद्यालय जो है उसमें कहा गया है कि 30 जहाँ स्टूडेंट हो, 0 से 30 तक स्टूडेंट हो, तो 30 तक स्टूडेंट हो वहाँ एक टीचर होगा। 30 तक स्टूडेंट हो वहाँ कितने होगा? एक टीचर। लेकिन आजकल राजस्थान में बात करूँ तो 2 टीचर अनिवार्य कर दिए कि प्राथमिक विद्यालय जहाँ 30 तक का नामांकन, कोई भी प्राथमिक विद्यालय, राजस्थान की बात करूँ तो कोई भी प्राथमिक विद्यालय हो वहाँ मिनिमम कितने टीचर होने चाहिए, संशोधन में कर दिया गया कि 2। लेकिन यदि इसमें रेशियो में देखिए तो 30 तक कितने? 1। 60 तक कितने? 2। 90 तक कितने? 3। 120 तक कितने? 4। याद रखना 150 पर 4+1, 200 तक, 200 के बाद में 5, और उसके बाद में रेशियो, ध्यान से समझना 1:40 का। यदि स्टूडेंट 30 है एक टीचर होगा। अभी वर्तमान में राजस्थान की बात करूं तो प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में मिनिमम चाहे कितने ही नामांकन हो 2 टीचर अनिवार्य। 60 तक स्टूडेंट हो, 59 तक मान लो, 61 से 90 का रेशियो बना दूं मैं, 61 से 90 तक 3 टीचर होंगे, 91 से 120 तक 4, ठीक है, 120 से 200 मान लो, 120 से 150 होता है तो 4+1 का मतलब वहां एक पूर्णकालिक हेडमास्टर होगा, और 200 के लगभग 200 होता है तो 5 और प्लस उसके बाद में देखा जाए तो 1:40 के रेशियो। ध्यान से समझ, इसको ध्यान से समझना, प्राथमिक विद्यालयों की क्या कंडीशन है, सेकेंडरी स्कूलों की क्या कंडीशन है। अब बात करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहां 2 चीजें हैं कि 3 विषय अध्यापक अनिवार्य होंगे। वैसे तो इसको 100 मान लेते हैं कि 100 तक स्टूडेंट है तो 3 विषय अध्यापक अनिवार्य होंगे। 3 विषय अध्यापक कौन से होंगे? एक तो होगा विज्ञान और गणित का, एक ही होगा, ठीक है। एक होगा भाषा का, जो भाषा वाला क्या पढ़ाएगा,
चाहे संस्कृत हो चाहे अंग्रेजी हो, भाषा पढ़ाए, और एक होगा सोशल स्टडी का, ठीक है। तो ये तीन तो होंगे ही होंगे, 100 से ऊपर यदि स्टूडेंट होते हैं तो एक द्वितीय श्रेणी का, सेकंड ग्रेड का एक हेडमास्टर होगा, और बाकी रेशियो 1:35 के हिसाब से बढ़ेगा। तो दोनों दो प्रकार के सवाल इसमें बनते हैं। अनुपात की बात की जाए तो प्राथमिक में 1:40 और उच्च प्राथमिक में 1:35। यहां की बात की जाए 30 पर अब 2 कर रखे हैं, और यहां 3 भाषा के जो 6th, 7th, 8th क्लास उच्च प्राथमिक में जुड़ती है, तो वहां कितने होंगे, 3 टीचर तो होने ही होने हैं। और यदि इनमें 100 से ज्यादा होते हैं तो एक HM की पोस्ट होगी, और बाकी आगे का रेशियो कितना होगा, 1:35 से होगा। ये बात थी इसकी, हटा देते हैं, बात कर रहे छात्र शिक्षक अनुपात की, हमने बात की, धारा थी 25, समझ में आई होगी, टेबल बनाना वापस, 30, 30, 30, 60, 60, 90, 90, 120, 120, 50, 200, 200, ऐसे कहाँ एडवांस्ड होगा, कई बार पूछा गया है। 170 बच्चों पे कितने शिक्षक अध्यापक होंगे, लेक्चरर 2015 की लेक्चरर भर्ती में आया हुआ है। धारा 25 की बात की हमने, धारा 26 की बात कर लेते हैं। किसी भी विद्यालय में शिक्षकों की बात चल रही है तो किसी भी RTE ये कहता है कि किसी भी विद्यालय में 10% से ज़्यादा शिक्षकों के पद रिक्त नहीं रखे जाएंगे। सरकार के लिए है कि सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त नहीं होने चाहिए। बात करते हैं धारा 30 की, तो 30 में ये कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण, प्रारंभिक शिक्षा 8वीं तक मान लेना आप, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। जैसे आपने आपने सुन रखा होगा पहले 5वीं क्लास में बोर्ड का एग्जाम होता था, लेकिन जब से RTE आया 5वीं क्लास में बोर्ड कोई भी राज्य सरकार नहीं रख सकती, 5वीं बोर्ड नहीं हो सकता, 8वीं बोर्ड होता है। 8वीं में बोर्ड के लिए भी इसमें प्रावधान ये है कि 8वीं कक्षा का बोर्ड यदि बच्चा नहीं देना चाहे तो भी उसको पास माना जाएगा, वो ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सकता, 8वीं तक कोई बोर्ड एग्जाम नहीं, कोई टेंथ नहीं, मस्त मौला जिंदगी, मस्त मौला बचपन। धारा 30, थोड़ी सी धाराओं की बात और कर लेते हैं, अब महत्वपूर्ण नहीं है ज़्यादा धाराएं। धारा 31, बालक के अधिकारों के हनन के संबंध में शिकायत कर सकता है बालक, यदि बालक को लगे तो शिकायतों के लिए अलग से प्रकोष्ठ बने हुए हैं बालकों के लिए, जहां शिकायत की जा सकती है, उसका एक निश्चित समय में उसका निवारण करना आवश्यक है। धारा 31 याद नहीं रखनी है आपने को। धारा 32, अधिकारियों द्वारा शिकायत, जो बच्चों के अधिकारियों की बच्चों की शिकायतें प्राप्त होती है उन शिकायतों का सत्यापन किया जाएगा, निदान किया जाएगा और निवारण किया जाएगा। अब 32, धारा 33 कहती है केंद्रीय सलाहकार परिषद होगी, इसके सदस्य आप व्यस्त याद रखने, 15 सदस्य की केंद्रीय सलाहकार परिषद होगी जो कि RTE को लागू करने और इनकी जो रुकावटें हैं उनके बारे में सलाह देती है, याद नहीं रखना। 33 भी याद नहीं रखना, और 35 या 38 ये कहती है कि सरकार को अधिकार है कि वो RTE में संशोधन कर सकती है, पूरा कर सकती है, थोड़ा बहुत कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। ये थी RTE का धारा 35 से 38 तक, इसमें प्रॉब्लम। तो ये मोटे मोटे मैंने धाराओं की बात आपको कही। अब देखो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताने के लिए कहा था मैंने आपको, एक आई थी धारा 23। धारा 23 की मैं बात कर रहा था कि धारा 23 है क्या, धारा 23 काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसमें जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है SMC का, और इससे संबंधित सवाल निकल कर आते हैं। मैं भी बताऊंगा कि हमारे वाले एग्जाम में भी कई बार सवाल पूछा गया, आपके वाले एग्जाम में भी इससे पूछेंगे। देखो SMC का मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की मैं बात कर रहा था। देखो दो चीजें होती है, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 8 तक जो स्कूल चलती है उसमें होती है SMC, और कक्षा 9, 10, 11, 12 उसके लिए होती है SDMC।
दो कमेटियां होती है जहां भी सीनियर से सीनियर तक स्कूलों की बात करूं तो मिडिल सॉरी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एसएमसी और सीनियर सेकेंडरी के लिए एसएमसी प्लस एसडीएमसी, दो कमेटियां होती है सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में। एसएम सारे स्कूल का जितना भी काम है उसकी देखरेख का जिम्मेदारी होती है एसएमसी की। अब एसएमसी की बात करूं तो एसएमसी में देखो दो बातें हैं, एक होती है साधारण सभा, ध्यान से समझ लेना इसको, और एक होती है कार्यकारी समिति। ठीक है, दो प्रकार की होती है और ये कार्यकारी समिति जो है वो काफी महत्वपूर्ण है, दोनों को कुछ पावर दिए गए। साधारण सभा की मैं बात करूं, साधारण सभा की बात करूं तो इसमें कौन सदस्य होंगे, ध्यान से समझना, साधारण सभा में उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बालकों के अभिभावक, अभिभावक इसके सदस्य होंगे, जितने भी अभिभावक पेरेंट्स है बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप है, उसके माँ बाप में से कोई एक या माँ बाप नहीं है तो उसका संरक्षक है वो उसका सदस्य होगा। दूसरा, विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ इसका होगा। तीसरा, जिस क्षेत्र में विद्यालय है उस क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि। अब जब तक निर्वाचित है तब तक है वो सदस्य और जब निर्वाचित नहीं रहेगा तो वो उसका सदस्य नहीं होगा। बात समझ गए? अब इसमें कौन है, इसमें टोटल संख्या है 16। याद रखना एसएमसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 16। अब 16 में कैसे कैसे होता है, 11 तो होते हैं अभिभावक, 1 होता है विद्यालय का एचएम, 1 होता है टीचर, 1 होता है वार्ड पंच, 2 होते हैं विधायक प्रतिनिधि। ये आजकल हो गया है विधायक प्रतिनिधि, पहले एक ही थे अब दो बढ़ा दिए, पहले यहां दो थे सरपंच और वार्ड पंच, लेकिन आजकल इसको हटा के एक ही कर दिया सरपंच या वार्ड पंच में से, सरपंच है तो सरपंच या वार्ड पंच में से। तो 11, 12, 13, 14 और 2 16, इस प्रकार एसएमसी का गठन किया जाता है। इसके थोड़े से डिटेल्स है एसएमसी के सदस्यों का, जो रिजर्वेशन है किस कैटेगरी से क्या क्या लिया गया है वो अलग से मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाऊंगा। एसएमसी का गठन और साथ ही एक और है कि जो शिक्षकों के पढ़ाई के घंटे हैं उनके पर एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो मैं जल्दी लेके आऊंगा, तो उसमें हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। तो ये था आपका आरटीई का मोटा मोटा नॉलेज। ये जो नॉलेज है कि आपके लिए काम का होगा, निश्चित तौर से काम का होगा, और इस गर्मी में इतनी मेहनत से मैंने ये क्लास बनाई आपके लिए उपयोगी हो, लेकिन आपके दोस्तों के लिए भी उपयोगी हो। जल्दी से शेयर करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपकी मनमर्जी। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्दी हाजिर हूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।